अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं मेरे दोस्त? सब लोग अच्छे से हो? और आज आपको पता है हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल नई टाइप एग करी। यस, बिल्कुल न्यू टाइप एग करी, जिसको जिसका नाम सुनते ही आप लोग बोलेंगे वाओ एग करी। हाँ, और बहुत ही यमी और डिलीशियस तैयार होती है। तो देख लेते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो इस ग्रेवी का नाम तो पहले आप लोग सुन लीजिए, बेसन कैशोनट एग करी, जो कि कुछ ही सामानों में इतनी लाजवाब तैयार होगी कि आप लोग बोलेंगे, आप लोग भी फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो बोलेंगे वाओ इतनी यमी। यस, ऑफ कोर्स बन सकती है। तो बस देख लेते हैं उसके लिए क्या क्या चाहिए हमें। उसके लिए हमने 6 एग बॉयल कर लिए। हमको लगा हमारे दोस्त बहुत समझदार है, एग बॉयल तो सबको ही कर लेते हैं, जो स्पेशली जेंट्स भी होते हैं उनको इतना नॉलेज होता है भाई एग कैसे बॉईल करना है ना, तो वो तो स्पेशली सब लोग कर लेते हैं। तो एग बॉइलिंग का प्रोसीजर दिखाना उतना नहीं था, तो इसलिए हमने एग बॉईल कर लिए हैं। और हाँ, अगर आप एग बॉईल करते हैं और आपको लगता है कि एग आपके जल्दी से बॉईल हो जाए, तो इसके लिए एक हम टिप दे देते हैं। आप प्रेशर में इसको 1 प्रेशर में रख सकते हैं, लेकिन आप बोलेंगे टूट जाएंगे, आप उसमें हल्का सा सॉल्ट और थोड़ा सा लेमन की कुछ बूंदे ऐड करेंगे और अपने एग 1 प्रेशर के लिए रखेंगे। कभी भी आपके एग टूटेंगे नहीं, इस तरीके से रहेंगे, ठीक है। तो और हमें चाहिए इसके लिए 2 मीडियम साइज की ऑनियन थी, हमने रफ चॉप किया है, 1 इंच का जिंजर लिया है, गार्लिक यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमने रफ चॉप इसलिए किया है क्योंकि हम इसकी ग्रेवी बनाना चाहते हैं। फिर हमने लिया है 1 मीडियम साइज का टमाटो, 5 ग्रीन चिलियां। टमाटो हमको किस कट में चाहिए वो हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद हमने लिया है अपना मेन इंग्रेडिएंट्स, ये है बेसन, जिससे ये ग्रेवी का टेस्ट लाजवाब होने वाला है। फिर उसके बाद आप देख लीजिए, हमने सिर्फ कैशोनट क्वालिटी में लिए हैं, क्वांटिटी में नहीं, कि एक भर के बाउल ले लिया है। देख लें आप, 6 कैशोनट है ये, 6 कैशोनट आपने भी 6 एग के लिए यूज करना है, 1 एग के लिए 1 कैशोनट, ओके। तो फिर उसके बाद हमने लिए 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, फिर हमने लिया है सॉल्ट टू टेस्ट, फिर हमने लिया है 2 टीस्पून अपना धनिया पाउडर, फिर हमने लिया है अपना टर्मरिक 1/2 टीस्पून, मेथी के दाने कुछ। अच्छा, मेथी के दाने बहुत से लोग पसंद नहीं करते, अगर आपने पसंद नहीं करते तो बेशक ना डालें, अगर नहीं डालते तो एक बार ट्राई करें। और ये होममेड गरम मसाला, इसकी रेसिपी भी हमारी जा चुकी है, अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर चेक कर लें इससे आप। तो ये देखिए, हमने अपने एग पिल कर लिए हैं और ये बहुत ही आसानी से पिल हो चुके हैं, आप लोग देख रहे होंगे। तो बस अब हम क्या करेंगे, चलिए हमारी गैस की तरफ और कुकिंग स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हम आपको बता दें, इसका हमने आपको पहले भी बोला है, जैसे हमको इसका पेस्ट चाहिए, तो हम इसका पेस्ट बना के फिर अपन अपनी गैस की तरफ चलते हैं और कुकिंग स्टार्ट। तो हम और आप आ चुके हैं गैस की तरफ, तो चलिए कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने एक पैन लेना है, गैस का फ्लेम ऑन करना है। गैस का फ्लेम ऑन होने के बाद हम आपको एक और टिप दे देते हैं। आपने देखा होगा एग कभी भी आप डालो, उसमें एक एयर होती है, उसकी वजह से क्या होता है, एग जब हम ऑयल में जाते हैं ना तो मतलब फूटते हैं ना, वो जलने वगैरह का मसला बन जाता है। तो आपको एक फॉक से एग में बस 1 टाइम इस तरीके से कर देना है, फॉक की मदद से 1 टाइम सब एगों में इस तरीके से आपने कर लेना है, 1-1 टाइम। इससे आपके एग कभी भी, इनमें जो एयर होगी वो कभी भी आपके ऑयल में जाकर फूटेंगे नहीं और आपको जलने का मसला नहीं बनेगा। तो हमें लगा हमें पता है तो आप लोगों तक भी हम पहुंचा दें, तो बहुत से व्यूवर्स हमारे जानते भी होंगे। तो अब हम क्या यूज कर रहे हैं, अपना कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आपको इस ग्रेवी के लिए, 6 एग ग्रेवी के लिए 1.5 टेबल स्पून समथिंग लगेगा, आप 1 स्पून टेबल में भी इसको बना सकते हैं। अभी हम आपने देखा होगा कि हमने इस पे थोड़ा लिटिल बिट ही डाला है, क्योंकि अभी हमको
ग्रेवी का मसाला नहीं, अपने एग जो है उसको एक क्रंचिनेस देनी है। तो इसके लिए हमने इस पर हल्का सा ऑयल डालकर इसको इस तरीके से किया है, हल्का सा ऑयल डालकर हमने पैन के चारों साइड इसको फैला दिया है। फिर अब हम क्या करेंगे, हम इस स्टेज पर अपनी टर्मरिक यूज करेंगे, बिल्कुल लिटिल बिट। इससे इस एगों का कलर बहुत ही खूबसूरत सा हो जाएगा और क्रंचिनेस भी आ जाएगी। तो बस अब क्या करना है, आपको अपना एग इस पर रखना है इस तरीके से। और इसको इस तरीके से टर्न ऑफ कर देना है। ये देखिए, ये देखिए आप, ये बहुत ही जल्दी से आपके एग को क्रंचिनेस देता है, एक खूबसूरत सा कलर देता है। तो बस ये हो जाए, फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये हो चुके हैं और हम आपको अपना एग कैमरे से पास ले जाएंगे। ये देखिए कुछ चंद नंबरों में ही ना ये एक क्रंचिनेस लेकर आ जाते हैं। आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और हमने इसको कवर अप करके नहीं किया क्योंकि हमने इसको पहले ही अपने इनकी एयर निकाल ली थी, इसकी वजह से हमने इसको कवर अप नहीं किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। फिर हमको क्या करना है, फिर हमने इसमें शामिल करना है अपना ऑयल, 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून समथिंग आप इस ग्रेवी 6 एग ग्रेवी के लिए यूज कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें अपनी ये पेमिग्रेनिक सीड्स यानी मेथी के दाने इस पर डाल देने हैं। और आप एक चीज का ध्यान रखें, इन मेथी के दानों को आपको जलाना मकसद नहीं है, सिर्फ हल्का सा इनको कड़काना है, मतलब ऑयल में जाएं और ये अपनी साउंड जब रिलीव करें तब आपने इसमें शामिल करना है अपना ये बेसन। बेसन कच्चा ना यूज कर लें वरना आपकी ग्रेवी खराब हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, इस बेसन को बिल्कुल मीडियम हीट में इनकी एक अच्छी सी स्मेल, भीनी सी खुशबू जो आती है तब तक का इंतजार करना है। कुछ ही नमों में ये हो जाएंगे क्योंकि आपको पता है ऑयल गर्म है और बेसन ऐसी चीज होती है जो घी वगैरह में जाती है तो तुरंत ही कुकिंग का प्रोसीजर उनका चालू हो जाता है और वो वक्त बहुत कम लेती हैं। तो बस इसलिए आपको भी ज्यादा नहीं, आप देखेंगे जब ये हल्का सा कलर अपना चेंज करेगी तब आपने शामिल करनी है अपनी बाकी बची हुई टर्मरिक ऐड कर देना है आपको। ये देखिए, ये हमारी ग्रेवी 15 मिनट्स के समथिंग हो रही है और अब ये अपना ऑयल इस तरीके से सेपरेट करना शुरू किया है। और हमने एक पैन ले लिया, अपने पैन पर हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लिया और टमाटर के स्लाइस इस तरीके से कट करके रख दिए हैं। और एक चीज का ध्यान रखें कि टमाटर के स्लाइस आपको ज्यादा ना मोटे रखने हैं ना ज्यादा पतले, मीडियम हीट के, मीडियम साइज के होने चाहिए। फिर आपको इसको गैस का फ्लेम तेज रखकर इस तरीके से कुक्ड करना है। एक साइड से हम कुक, अगर आप धीमी गैस में करेंगे तो क्या होगा, टमाटर अपना पूरा जूस रिलीव कर देंगे और वो टूटे टूटे से हो जाएंगे। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। ये देखिए, इस तरीके से जब आपके टमाटर होंगे इस तरीके से रेडनेस एक साइड हो जाए। बार बार इनका चेंज नहीं करना है, हमारा मकसद बस एक साइड से हो और दोबारा साइड बस खत्म, क्योंकि अगर ये पूरे घुल जाएंगे तो फिर हमारे टमाटर
इस ग्रेवी में कहीं भी नजर नहीं आएंगे। ये देखिए हमारे टमाटर जब कुछ इस कलर के हो जाएंगे तो गैस का फ्लेम आपको कर देना है ऑफ, और आपकी ग्रेवी भी अब पक चुकी है, इसने अपना ऑयल सेपरेट कर दिया है। और आप इस ग्रेवी की क्रीमीपस देखिए, अगर आप क्रीम यूज करते हैं तब आपकी ग्रेवी इतनी सॉफ्ट होती है, लेकिन हमारा कहना है कि हम आपको बेशक घर के सामानों से इतनी अच्छी डिशे बनाना बताएंगे, तो बस वो मकसद पूरा कर रहे हैं हम और कुछ भी नहीं। तो अब आपको क्या करना है, इस स्टेज पे आपने अपने एग इस पर रखने हैं। अगर हमारे फ्रेंड जो नॉनवेज नहीं खाते, वेज हैं और वो एग को पसंद करते हैं, तो बेशक इसको ट्राई करें और बनाएं और खाएं और देखें कितनी यमी और डिलीशियस ग्रेवी आपकी तैयार होगी। फिर आपको क्या करना है, आपने इसमें लिटिल बिट वाटर ऐड करना है, क्योंकि हमको अपने एग भी तो इस मसाले में रच बस जाए ना, इस तरीके से पकाने हैं। ऐसा नहीं है कि वो जैसे रेस्टोरेंट वगैरह वाले कच्चे एग रख के दे देते, उफ खुदाया वो तो खाए नहीं जाते। तो बस आपने क्या करना है कि बस इसको आपको इस तरीके से 5 मिनट्स के लिए कुक करना है और ऐड करना है अपना सॉल्ट इस स्टेज पर। ये ग्रेवी माँ यकीन जाने बहुत ही अच्छी सी तैयार होती है, बिल्कुल अलग सा ग्रेवी का टेस्ट निकल कर आएगा। जैसे नॉर्मल ग्रेवी वगैरह अपन बनाते हैं उससे बिल्कुल डिफिकल्ट अलग होता है, अपन नॉर्मल ग्रेवी का सालन बनाते हैं उससे बिल्कुल अलग टेस्ट निकल कर आता है ना। तो बस आप लोग भी एक बार ट्राई करें। और इसमें हमको ऐड करनी है अपनी ये ग्रीन चिलियां, जो इसका एक स्मेल होगी ग्रीन चिली की, अरोमा होगा वो हम इस वक्त शामिल करेंगे, तो वो हमारी ग्रेवी में अच्छी तरीके से रच बस जाएगी। फिर आपको क्या करना है, इसको कम से कम 5 मिनट्स के लिए अपना गैस मीडियम हीट पर रखकर कवर कर पकाना है, फिर हम आपको इसकी शक्ल दिखाते हैं। ये देखिए ये ग्रेवी 5 मिनट से पक रही है और इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तब आपने इसमें शामिल करना है हमारा होममेड गरम मसाला। आप बाहर के मसाले ना यूज कर लेना, बेशक आप खड़े यूज कर ले पर बाहर के ना यूज करें, वरना ग्रेवी का जायका खराब हो जाएगा। तो इस स्टेज में आपने हमारे होममेड गरम मसाला जो हमने बनाया, अगर आपने अभी तक नहीं चेक किया तो चेक करें, हमारे चैनल पर वो आ चुका है। हमने इसमें 1/2 टीस्पून के समथिंग गरम मसाला ऐड किया है। फिर अब हम इस पे अपने टमाटर ऐड कर रहे हैं। टमाटर हमको बिल्कुल पके पके से नहीं चाहिए थे, बस इसलिए हमने पहले नहीं डाले। आप देखिए एक टमाटर हम आपको दिखा देते हैं, इसकी क्रंचनेस, टमाटरों की क्रंचनेस कुछ इस तरीके से होना चाहिए, कच्चे रॉ टमाटर नहीं, इसका भी एक जायका निकल कर आएगा इंशाल्लाह से, आप देखेंगे। ये देखिए इस तरीके से, टर्न नहीं चेंज कीजिएगा जब टमाटर आप कुक करें ना, तो टर्न ना चेंज करें बस। ये बहुत ही अच्छी सी न्यू यूनिक रेसिपी हमारी आप लोगों के लिए है, जो बहुत लाजवाब सी तैयार होती है। तो बस देर किस बात की है, आप लोग भी अपने अपने घरों में एक बार ट्राई करें, इंशाल्लाह से आप लोग की भी बहुत अच्छी, इससे भी बेटर बने। तो चलिए ये ग्रेवी अब रेडी है डिश आउट होने के लिए, हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारी बेसन एग कैशोनट करी बनकर रेडी हो चुकी है और हमने इसको इस तरीके से सर्व करना समझा है जरूरी। तो आप भी बेशक इसको इस तरीके से सर्व कर सकते हैं किसी के भी सामने। तो चलिए अगर आपको ये करी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दें जो पहली बार देख रहे हैं, और शेयर कर लें। इंशाल्लाह से हम आपको अच्छी से अच्छी रेसिपी लाकर देते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, आई लव यू।